أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم بزرگان محترم قابل قدر اسلامی بھائیوں پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں اس رب کریم نے ہم تمام کو ایک عظیم مہینہ رمضان المبارک کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کا گھر مسجد میں بیٹھ کر ایک مدت کے بعد دین کی چند باتیں سننے اور سنانے کی توفیق عنایت بخشی ہے جس پر ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرنی ہے سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء و مرسلین پر خصوصا آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم بارک و صلی و سلم علی نبینا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين حاضرين اگرامی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورة البقرہ کی آیت نمبر 185 پڑھی ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت میں جو پیغام دیا ہے میں نے اس کو
अपने मौजू का उन्वान बनाते हुए ये सोचा है कि रमजानुल मुबारक का पैगाम आलम इंसान के नाम, आलम इस्लाम नहीं बल्कि आलम इंसान के नाम। हाजरीन आइए, रमजानुल मुबारक का पैगाम आलम इंसान के नाम क्या क्या है मालूम करते हैं। हाजरीन, जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है, अल्लाह तबारक ताला ने इस आयत में फरमाया, शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िल फीहिल कुरान हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरकान फमन शहिद मिनकुम अश्शहर फलयसुम। यह रमजानुल मुबारक का महीना है जिसकी अजमत और शान यह है, जिसकी अहमियत और फजीलत यह है, उन जिला फीहिल कुरान, कुरान को इस महीने में नासिल किया गया है। रमजान की तमाम तर फजीलतें, उसकी अहमियत और उसकी बरकतें में पहली बात ही होती है कि इस महीने में अल्लाह ने कुरान का नुजूल फरमाया। अल्लाह ने सबसे पहले इसी का तस्किरा किया कि यह रमजान नुजूल कुरान का महीना है, रमजान शहरुल कुरान है। और कुरान के बारे में अल्लाह ने फरमाया, हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरकान, कि ये कुरान तमाम इंसानों के नाम हिदायत नामा है। हुदल लिन्नास तमाम इंसानों के लिए हिदायत नामा है, हिदायत का पैगाम है, हिदायत का सरचश्मा है ये कुरान। अल्लाह तबरक ताला ने रमजान की फजीलत और अहमियत में बताया कि इस महीने में कुरान नासिल हुआ है और कुरान के बारे में फरमाया कि ये किताब हिदायत है। तो ये पैगाम आलम इंसान को दिया जा रहा है कि जिस तरह से ये कुरान किताब हिदायत है और ये कुरान नाजिल हुआ रमजान में, तो रमजान ये माह हिदायत है। अल्लाह अकबर, रमजान ये माह हिदायत है। इस महीने में इंसान हिदायत पाता है और हिदायत एक जामे लफ्ज है जिसको मांगने के लिए हमें और आपको कहा गया है। हर नमाज की हर रकात में हम हिदायत मांगते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ऐ अल्लाह ताला, तू हमें सिरात मुस्तकीम की हिदायत अता फरमा। अहले इल्म ने लिखा है, हिदायत से बढ़ के कोई दुआ नहीं, हिदायत से बढ़ के कोई दुआ नहीं है। सबसे बड़ी दुआ यह है कि हिदायत है, किसी को हिदायत मिल जाए तो सबसे बड़ा खुश नसीब वही इंसान है कि हिदायत पा जाए, हिदायत पा जाए। हाजरीन, ये माह रमजान माह हिदायत है, नुज़ूल कुरान हिदायत का जरिया है। और इसी हिदायत को इस महीने में देखो कैसे कैसे लोग हिदायत पा जाते हैं। इस महीने में हिदायत पाने वाले आप देखेंगे कि बच्चे बच्चे में शऊर आता है, वो चाहते हैं कि हम रोजा रखें। माँ बाप अगर ना जगाएं तो वो नाराज हो जाते हैं और कहते हैं कि अब्बू जान अम्मी जान, हमने आपको आपने हमें जगाया क्यों नहीं है। बच्चे बच्चे में हिदायत की कैफियत पैदा होती है, जो नेक नहीं बना इस महीने में नेक बन जाता है, बेनमाजी इस महीने में नमाज पढ़ने लगता है, बेरोजेदार रोजा रखने लगता है, सदका तो खैरात ना करने वाला इस महीने में करने लगता है, बुरा इंसान इस महीने में नेक बन जाता है। क्यों ना नेक बने? क्योंकि अल्लाह तबरक तआला के रसूल ने फरमाया, जब रमजान का महीना आता है बड़े बड़े शैतानों को मुकैद कर दिया जाता है, जंजीरों से जकड़ दिया जाता है और जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। और एक ऐलान करने वाले ऐलान करते हैं, या बागयल खैर अकबिल या बागयल शर अक्सर। कहा क्या है, खैर के तलबगारों
आगे बढ़ो। ऐ खैर के चाहने वालों, ये तुम्हारा महीना है, ये हिदायत का महीना है, ये खैर का महीना है, ये खैर खाही का महीना है, ये खैर सगाली का महीना है, ये मगफिरत और माफी का महीना है, ये अपनी तरबियत का महीना है, ये खुद एहतसाबी का महीना है, ये अपने आप को ट्रेन करने का महीना है, ये तिलावत कलाम पाक का महीना है, ये सदका तो खैरात का महीना है, ये कयाम और सियाम का महीना है। गर्ज ये महीना ऐसा है इंसान को हर तरह का पैगाम देता है, कहता कि खैर के चाहने वाले आगे बढ़ो, या बाग़ अल खैर अक़बिल, और शर के चाहने वालों से कहा जाता है या बाग़ या शर अक्सर, आए शर के चाहने वालों पीछे हटो पीछे हटो, इस महीने में तुम्हारा मुकाम नहीं है, तुम्हें जगह नहीं है। इसलिए वो इंसान जो हट्टा गट्टा जिस्म रखकर रोजा नहीं रखता है, नमाज नहीं पढ़ता है, इस महीने में छुपते छुपाए फिरता है, छुपते छुपाए फिरता है, बच्चों में क्या देखो हिदायत का जोश और जज्बा आता है, अल्लाह अकबर। और ये महीना पाकर जो नेक नहीं बन सका वो बड़ा बदनसीब है, वो बड़ा बदनसीब है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, मेंबर की पहली सीढ़ी पर कदम रखा तो आपने कहा आमीन, मुसद के हाकिम की सही रिवायत है। दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा फरमाया आमीन, तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा कहा आमीन। सहाबा इकराम ने अर्ज की अल्लाह के रसूल, आप तो हस्बे मामूल ऐसा नहीं करते हैं, आज मामूल के बरखिलाफ आपने मेंबर पे पैर रखते हुए आपने तीन तीन बार आमीन क्यों कहा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कान खोल के सुने, और ये रमजान का पैगाम, रमजान हम कैसे तैयारी करें, इस हदीस को मद्देनजर रखें, इस हदीस को मद्देनजर रखें। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं मिंबर की पहली सीढ़ी पर कदम रखा, फरिश्ते आए, आने के बाद कहा जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए और दरूद ना पढ़ें तो वो नाकामो नामुराद हो जाए, नाकामो नामुराद हो जाए, उसकी नाक जमीन में घिस जाए। मैंने कहा आमीन। दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा, फरिश्ते ने कहा, फरिश्ते ने कहा, और ये फरिश्ते ने ये बद्दुआ दी कि जिसको बूढ़े वालिदाइन मिल गए, जिसको बूढ़े वालिदाइन मिल गए और वो उनकी खिदमत करके जन्नती नहीं हो सका, बदनसीब है वो इंसान, खाक खाक में मिल जाए वो इंसान, नाकामो नामुराद हो जाए वो इंसान। मैंने कहा आमीन। मिंबर की तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा, फरिश्ते ने ये बद्दुआ दी जिसको रमजान का महीना मिला, जिसको रमजान का महीना मिला और उसको पाके वो अपनी गुनाहों की माफी तलाफी नहीं कर सका, बड़ा बदनसीब है वो इंसान, नाकामो नामुराद हो जाए। मैंने कहा आमीन। हाजरीन, हमारे और आपकी जिंदगी में कितने रमजान आए और चले गए, कहीं हमारा हाल ऐसा ना हो, अल्लाह ताला सौ बार ना करें कि फरिश्तों की बद्दुआ लेने वालों में हम शामिल हो जाएं। फरिश्तों की बद्दुआ, जुमा के रोज मिंबर पे चढ़ते वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर आमीन कहा, यह दुआ कबूल ना होने में कोई शक हो सकता है? बिल्कुल नहीं। तो कहीं हम रमजान पाए और रमजान पाने के बाद उसका फायदा नहीं उठा पाए, मगफिरत नहीं तलब कर पाए तो बड़ा बदनसीब है हम, बड़ा बदनसीब हम हो जाएंगे, बड़े बदनसीबों में और बददुआओं में पाने वालों में शामिल हो जाएंगे। इसीलिए सबसे पहला लाहिया या अमल हमारा यह होना चाहिए कि हम रमजान पाने के बाद खुश नसीबों में शामिल हो, बदनसीबों में शामिल ना हो। और इसके लिए सबसे पहले माफी, माफी अल्लाह से खुद माफी मांग लें, अपने गुनाहों की मगफिरत तलब कर लें, इस्तगफार कर लें और फिर साथ साथ दूसरों को भी माफ करना सीखें। हाजिरीन गिरामी, अगर आप देखें रमजानुल मुबारक, ये शहरु रमजान, शहरु रमजान, रमजान हुआ शहरुल गुफरान भी है, यानी ये माफी का महीना है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में क्या फरमाया, रोजे का मकसद मगफिरत, कयाम का मकसद मगफिरत, लैलतुल कदर का मकसद मगफिरत, सब का मकसद है मगफिरत। हदीस सुन ले, अल्लाह के रसूल ने फरमाया मन साम रमजान ईमानन वहतिसाबा गुफिर लहु मा तकद्दम मिन ज़म्बी, जिसने रमजान के रोजे रखे ईमान और एहतसाब के साथ,
तो अल्लाह तबरक ताला उसके पिछले सारे गुनाहों को माफ कर देता है, पिछले सारे गुनाहों को माफ कर देता है। जो रोजा रखा, रोजे का मकसद है मगफिरत। उसके बाद आइए तरावी का मकसद है मगफिरत। मन قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, जिसने रमजान में कयाम किए तो उसके पिछले सारे गुनाहों को माफ कर दिया जाता है। तो कयाम रमजान का मकसद भी मगफिरत है, हुसूल मगफिरत। इसी तरह से आइए नबी ने फरमाया, मन قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, जो लैलतुल कदर में कयाम करता है ईमान और एहतिसाब के साथ, नबी के तरीके पर अकीदा और ईमान की दुरुस्तगी के साथ, उसके पिछले गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। और अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, तिर्मिजी की रिवायत है, मैंने अल्लाह के रसूल से यह पूछा, अगर शबे कदर हमें मिल जाए क्या दुआ पढ़ें? उस दुआ में मगफिरत ही मगफिरत है। अल्लाहुम्मा इन्नका अफु तुहिब्बुल अफ फाफ अन्नी, अय अल्लाह ताला तू माफ करने वाला है, माफी को पसंद करता है, लिहाजा अल्लाह ताला तू मुझे माफ कर, माफ माफ माफ। रमजान व शहरुल गुफरान, हाँ रमजान ये मगफिरत का महीना है। जो मगफिरत हासिल कर लिया वही कामयाब हो गया। यहां पर मैं रुक के एक बात आपसे, हमसे सबसे एक बात में अर्ज करना ये चाहूंगा, लैलतुल कदर की दुआ में है, अल्लाह तो माफ करने वाला है, माफी को पसंद करता है, तो मुझे माफ कर। अगर अल्लाह ताला पलटा के हमें और आपको पूछे, क्या तू माफ करने वाला है, क्या तू माफी को पसंद करता है, क्या तू अपने भाई बिरादरी को माफ करता है कि नहीं, तू माफ करता कि नहीं, तो याद रखिए हम अल्लाह ताला से कह रहे हैं, अल्लाह तू माफ करने वाला है, माफी को पसंद करता है, माफ कर। और मैं माफ करने वाला भी नहीं, माफी को पसंद करने वाला भी नहीं, मैं माफ करता भी नहीं, तो जाहिर सी बात है अल्लाह ताला माफ करेगा। आप पहले अपने भाई बिरादरी को माफ करो, आप माफ करने वाला बनो, और यहां दुनिया में मामलात को सॉल्व कर लो, क्योंकि आखिरत की घड़ी बहुत खतरनाक होगी। पहले अपने दिल को साफ करें, माफ करें, क्योंकि सीना बेकीना होना चाहिए। दिलों में कीना कपट, हसद बुग्ज अदावत और नफरत रखकर, याद रखिए अल्लाह से माफी मांगे तो माफी तलाफी नहीं होगी। सबसे पहले हम माफ करने वाले बने। हाजरीन, रमजान का पैगाम आलम इस्लाम के नाम, आलम इंसान के नाम। तो पहला पैगाम मैंने आपको यह दिया कि रमजान ये माहे हिदायत है, इसमें हिदायत हासिल करना है। और हिदायत को ही अल्लाह ताला ने जामे अल्फाज में फरमाया तकवा। रमजान का मकसद है हुसूल तकवा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। आई ईमान वालो, ईमान वालो, तुम पर रोजे फर्ज करार दिए गए जैसे तुमसे पहले वाले लोगों पर रमजान के रोजे फर्ज थे। क्यों? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी और परहेजगार बन जाओ। तमाम इबादतों का मकसद है तकवा, तकवा। नमाज का मकसद है तकवा, रोजे का मकसद है हुसूल तकवा, कुर्बानी का मकसद है हुसूल तकवा, हज का मकसद है हुसूल तकवा। अल्लाह ताला ने कुर्बानी और हज इन तमाम बातों का तस्करा करने के बाद फरमाया, वमा युअज़्ज़िम शाइरल्लाह फइन्नहा मिन तक्वल कुलूब, जो अल्लाह ताला के शायर की ताजीम करता है ये तकवे की बात है, तकवे की बात है। और अल्लाह के शायर क्या है? वो तमाम इबादतें, वो तमाम निशानियां, अल्लाह उसके रसूल की तमाम बातों को कहा जाता है शाइरल्लाह। जो इनकी ताजीम करता है ये तकवे की बात है। तमाम इबादतों का मकसद है हुसूल तकवा। तकवा किसको कहा जाता है? तकवा किसको कहा जाता है? तकवा जिसके माने हैं रुकावट, तकवा के माने रुकावट, परहेज करना, एहतियात करना, एहतियात करना, परहेज करना, दूर रहना। और तकवे की तफसीर बयान करते हुए अहले इल्म ने लिखा है, जहन्नम और अपने बीच में एक रुकावट और हायल पैदा करना तकवा है। हर वो काम जो हमें जहन्नम की तरफ लेकर जाए उससे रुक जाना,
हर वो काम जो हमें जन्नत की तरफ लेकर जाए उसको बजा लाना, इसी को अहले इल्म ने लिखा है इम्तिसालुल अवामिर वज्तिनाबुन नवाही। अल्लाह उसके रसूल ने जिन बातों का हुक्म दिया है उन बातों पर अमल करना, अल्लाह उसके रसूल ने जिन बातों से रोका है उनसे रुक जाना, यही असल तकवा है। और तकवे की मजीद वजाहत करते हुए हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हाफिज कुरान मुफस्सिर कुरान उबाई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा, क्या उबाई बताओ तकवा क्या है, तकवा किसको कहा जाता है, उबाई तुम बताओ। उबाई बिन काब ने कहा कई उमर क्या तुम्हारा गुजर कभी ऐसे रास्ते से हुआ है जिस रास्ते में कांटा हो दलदल हो, हर तरफ दलदल ही दलदल है कीचड़ है। कहा कि हां, तो तुम कैसे गुजरे हो। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया शम्मर तो इजारी, मैंने अपने इजार को समेट लिया, फूंक फूंक के कदम रख के चला। तो फरमाया कि देखो यही तकवा है आई उमर, तकवा इसी को कहा जाता है। दुनिया में चलो, दुनिया में रहा करो, फूंक फूंक के कदम रखा करो, दामन दागदार नहीं होना चाहिए, दामन को दागदार होने से बचाया करो। दुनिया में कारोबार और तिजारत किया करो, हरामकारी से बच जाओ, धोखादही से बच जाओ, एक दूसरे के माल हड़पने से बच जाओ, चोरी डकैती से बच जाओ। याद रखो यही तकवा है। तुम दुनिया में दुनियादारी भी करो, दुनिया के साथ साथ आखिरत की तैयारी भी कर लिया करो, इसी को तकवा कहा जाता है। तकवा यही है कि तुम दुनिया में रहो, रिश्ते नाते को तुम खत्म ना करो, रिश्ते नाते को जोड़े रखो। गर्ज तकवा इसी का नाम है कि हम सिर्फ कोने में बैठ के मन के ठेलते नहीं रहना चाहिए, बल्कि दुनिया में सब काम करो, काम करते हुए तुम अपने आप को दामन को दागदार करने से बचाओ और अपने आप को हराम से गुनाहों से बचा लिए जाओ, यही असल तकवा है, यही तकवा है। और इसी तकवे को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं समझाया कि देखो एक जमाना ऐसा आएगा, एक जमाना ऐसा आएगा कि आदमी अपने ईमान और तकवे में दीन पे डटे रहना ऐसा होगा गोया कि आग को अपनी हथेली में रखने के बराबर, आग को अपनी हथेली में रखने के बराबर होगा। और वाकई माने में आज हम और आप बाहर जाएं और अपनी आंखों को निगाहों को गुनाहों से बचा लें, तकवे की बात है और जिगर गुर्दे की बात है, आग को हथेली में रखने के बराबर की बात है। आज कोई नौजवान लड़का और लड़कियां कॉलेजों में यूनिवर्सिटियों में पढ़ें स्कूलों में पढ़ें गुनाहों से बच जाएं, इज्जत इफ्फत की हिफाजत कर लिए जाएं, आग को अपनी हथेली में रखने के बराबर है। आज कोई कारोबार और तिजारत करें हरामकारी से बच जाएं, लोन से बच जाएं, सूदी कारोबार से बच जाएं, धोखादेही से झूठ से बच जाएं, वाकई माने में अल्लाह के वली है वो इंसान, अल्लाह के वली है आज के माहौल में वो इंसान। लेकिन करना आग को हथेली में रखने के बराबर है, लेकिन जो कर लेगा वो तकवे की बात है। और कर लोगे तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया फितने के जमाने में जब इंसान अमल करेगा एक अमल का सवाब 50 के बराबर मिलेगा। सहाबा इकराम ने अर्ज किया अल्लाह के रसूल अजरु खमसीना मिन्ना औ मिनहुम, उनमें से 50 का सवाब मिलेगा या हम में से 50। नबी ने फरमाया नहीं जी, तुम में से 50 का सवाब उनको मिलेगा। अल्लाहु अकबर। फितने के दौर में बेदीनी की दौर में अगर हम तकवे पर बाकी रहें, दीन पर बाकी रहें, ईमान पर डटे रहें तो अल्लाह ताला 50 सहाबा इकराम का सवाब देगा। अल्लाहु अकबर, कितनी बड़ी बात है। दीनो ईमान की खातिर हमारी और आपकी आजमाइश हो, दीनो ईमान की तरफ और माइल होना और दीनदार बनना है, दीन बेजार नहीं बनना है। तो तकवा यह है कि हम दीन पे डटे रहे जमे रहे। और इस तकवे के बड़े फायदे हैं, अल्लाह ने कुरान इसके बड़े फायदे जिक्र किए हैं कि अल्लाह ताला रोजी रोटी देता है, अल्लाह गैब से मदद करता है, अल्लाह तबरक ताला हर तरह की बंदोबस्त करता है, अल्लाह ताला उसकी हिफाजत करता है और अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। मुत्तकी बन जाए लअल्लकुम तत्तकून। हाजरीन, रमजान का यह पैगाम है कि हम हिदायत पाएं, तकवा हासिल करें और ये रमजान में हम माफ करें, माफी भी मांग ले अल्लाह से भी, अल्लाह के बंदों से भी, और अल्लाह के बंदों को भी माफ करें। ये पैगाम, उसके बाद रमजान का पैगाम आलम इंसान के नाम, रमजान का पैगाम यह है कि शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, इस महीने में कुरान का नुज़ुल हुआ है। कुरान
इस महीने में कुरान के साथ लव लगाना है। कुरान अल्लाह ताला ने रमजान की फजीलत में पहली बात यह बयान की है कि इसमें कुरान का नुजूल हुआ है। नुजूल कुरान वो जमाने में मुअज्जज थे मुसलमान होकर, वो जमाने में मुअज्जज थे मुसलमान होकर, हम खार हुए हैं तारीख कुरान होकर। आज हमारी जो जिल्लत है, रुसवाई है, पसपाई है, हमने कुरान को छोड़ दिया है। कुरान जिस महीने में नाजिल हुआ उस महीने का मुकाम तमाम महीनों में ऊंचा हो गया। कुरान जिस नबी पर नाजिल हुआ उस नबी का मुकाम तमाम नबियों में ऊंचा हो गया। ये कुरान जिस शहर में नाजिल हुआ उस शहर का मुकाम तमाम शहरों में ऊंचा हुआ। ये कुरान जिस रात में नाजिल हुआ उस रात का मुकाम तमाम रातों में ऊंचा हुआ। ये कुरान जिस गार में नाजिल हुआ उस गार का मुकाम तमाम गारों में ऊंचा हुआ। ये कुरान जिस उम्मत पर नाजिल हुआ उस उम्मत का मुकाम तमाम उम्मतों में ऊंचा हो गया। इस कुरान के साथ जिसका ताल्लुक जुड़ गया उसका मुकाम तमाम इंसानों में ऊंचा हो गया। इसीलिए हम देखते हैं हाफिज़े कुरान एक छोटा बच्चा है लेकिन उसको आगे बढ़ाया जाता है, आगे बढ़ाया जाता है। हाफिज़े कुरान छोटा बच्चा ही क्यों ना हो उसको आगे बढ़ाया जाता है इमामत के लिए। ये ऊंचा मुकाम है उसका। और इतना ही नहीं, शहीद जो अल्लाह के रास्ते में शहीद होता है कितना ऊंचा मुकाम है। सही बुखारी की हदीस है, ओहद के मैदान में 70 सहाबा इकराम शहीद हुए। 70 के लिए एक एक कबर खोदना बहुत मुश्किल था। एक कबर में दो दो तीन तीन को रखने की बारी आई। अल्लाह के रसूल से पूछा गया, अल्लाह के रसूल कबर में सबसे पहले किसकी लाश रखें, कौन सी लाश पहले रखें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पर कुरान को बुनियाद बनाया। अल्लाहु अकबर। कहा कि कद्दिमुहु अक्सरुहुम कुराना, उस इंसान को उस शहीद को सबसे पहले कब्र में उतारो, क़िबले की तरफ उसको पहले रखो जिसको कुरान सबसे ज्यादा याद है। अल्लाह अकबर। शहीदों में कुरान जिसके पास है वो सबसे ऊंचा मुकाम रखता है। कुरान जिसको याद है कल क़यामत के मैदान में मअसफरतिल किराम बररा अल्लाह के चुनिंदा फरिश्ते निकोकारों के साथ होंगे जिनके बच्चे हाफिज़े कुरान है, कल सबके सामने उनके सरों पे ताज रखा जाएगा। ये कुरान दुनिया में एक ऐसी चीज है जो मखलूक नहीं है। कायनात में जितनी चीजें आप देख रहे हो, आसमान और जमीन, इनके बीच में वो सारी चीजें अल्लाह की मखलूकात हैं। एक ना एक दिन फना के घाट उतरना है। कुल्लु मन अलैहा फान वयबका वजहु रब्बिका दुल जलाल वल इकराम, बाकी रहने वाली जात अल्लाह की है। ये कुरान अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की सिफत है, अल्लाह का वस्फ है। इसको फना नहीं होना है, ये मखलूक नहीं है बल्कि ये अल्लाह का कलाम है। ये क्रिएशन नहीं है बल्कि ये अल्लाह के वर्ड्स हैं, वर्ड्स ऑफ अल्लाह है। कयामत के करीब अल्लाह ताला उसको उठा लेगा। अल्लाह अकबर। इसीलिए नबी ने फरमाया, सहाबा इकराम ये कुरान हादल कुरान हब्लुल्लाह ये अल्लाह की रस्सी है, तरफहु बियदिल्लाह इस रस्सी का एक किनारा अल्लाह के हाथ में है, एक किनारा अल्लाह के हाथ में है और दूसरा किनारा तुम्हारी तरफ अल्लाह ने दे दिया है। जिसने इस कुरान को पकड़ लिया है अल्लाह की रस्सी को पकड़ लिया है और गोया कि उसके साथ अल्लाह का ताल्लुक जुड़ जाता है। अल्लाह अकबर। ये कुरान आज रमजान में अल्लाह ने सबसे पहले यह कहा है, उन जिला फीहिल कुरान, कुरान इसमें नाजिल हुआ है। मामूली बात नहीं मेरे भाइयों, रमजान ये शहरुल कुरान है, कुरान की तिलावत सीखें। मैं आपको सबसे पहले यह गुजारिश करूंगा कि जिनको कुरान पढ़ना नहीं आता है इस रमजान में तहिया कर लें, इरादा कर लें कि हम कुरान पढ़ना सीखेंगे। जिनको तजवीद के साथ पढ़ना नहीं आता है वो तजवीद के साथ सीखें, क्योंकि कुरान को तजवीद के साथ पढ़ना जरूरी है, जरूरी है। वरत्तिलिल कुरान तरतीला, कुरान को तरतील और तजवीद के साथ पढ़ा करो, इत्मीनान और सुकून के साथ पढ़ा करो। तजवीद के साथ कुरान पढ़ना है। हम और आप क्या करते हैं, मेरा और आपका बच्चा और बच्ची, अंग्रेजी अच्छी सीखना है, अंग्रेजी का अच्छा एक्सेंट उसको आना है, गुड कम्युनिकेशन उसको आना है ताकि उसका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हो और फ्ला स्कूल, मेयारी स्कूल
जहां पर अच्छी इंग्लिश है, अच्छा एक्सेंट उसके हैं, अच्छा कम्युनिकेशन सिखाया जाता है, भारी भरकम फीस देकर हम वहां एडमिशन कराते हैं। लेकिन ये कुरान अल्लाह का कलाम है, अल्लाह के कलाम को अच्छे अंदाज में पढ़ना कि नहीं पढ़ना है, अच्छे तलफ्फुज के साथ पढ़ना कि नहीं पढ़ना है, इसका एक्सेंट अच्छा होना कि नहीं होना है, कुरान के बारे में हमारा मामला कैसा है। कुरान जो फ्री में पढ़ाता है, गली कूचों में मां बहने जो पढ़ा देती है, वहां चले जाओ, कैसे पढ़ाए नहीं, बस वो तो एक पढ़ना जस्ट एक फॉर्मेलिटी अदा करना है, इसलिए नहीं, ये फर्ज है। तलब अल इल्म फरीदा, ये फर्ज है, इसका इल्म हासिल करना फर्ज है। कुरान को तजवीद के साथ पढ़ना सीखें, और जिनको कुरान को तजवीद के साथ पढ़ना आता है वो कुरान की तफसीर सीखें, कुरान का तर्जुमा सीखें। रमजान के साथ कुरान का गहरा ताल्लुक है, हमें और आपको चाहिए कि रमजान में कुरान के साथ ताल्लुक जोड़ लें, कायम कर लें, हम सुरखरू हो जाएंगे। इसके लिए आप कुरान सुने, और सुने तो कहां सुने, अच्छी जगह पर सुने, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कुरान की बेअदबी और बेहुर्मती और कुरान की तौहीन होती है इस महीने में। याद रखिए मेरे भाइयों, रमजान में कयाम और कयामुल लैल करना यह बेहतर है, अच्छा है। कुरान खत्म करना कोई जरूरी नहीं है, कुरान की तिलावत करो, हमारे पास क्या बात है, कुरान खत्म करो अच्छी बात है, लेकिन क्या मालूम 10 दिन नहीं बल्कि चलो क्या है, 1 रात में कुरान खत्म, 3 रात में खत्म कुरान, 10 रात में खत्म कुरान। अब मसरूफ है इंसान, दूसरी जगह पर वक्त देगा, यहां नहीं, 30 दिन आने नहीं होता। क्या समझते हैं कि कुरान सुनना, कुरान खत्म करना यह जरूरी है? नहीं, वो जरूरी नहीं है। मैं क्या बताना चाह रहा हूं, कुरान खत्म करे अच्छी बात है, लेकिन ये जो दिमाग में है कि तरावी में कुरान सुनना है पूरा, इसीलिए चलो 3 दिन में शबीने की महफिल, और ऐसा पढ़ता स्पीड के साथ कुरान, ना तरतील ना तजवीद ना समझ में आता, कुछ नहीं है, ये तमाशा है, ये कुरान के साथ तौहीन है। ये रमजान में कयाम करना है, आप कयाम करें, कुरान खत्म ना करें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन कयाम के साथ कुरान खत्म करे बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुरान के साथ बेअदबी नहीं होना चाहिए। हाजरीन, तो मैंने आपको यह पैगाम दिया कि कुरान शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास, ये हिदायत, इस रमजान को अपने लिए भी हिदायत का जरिया बनाए और गैरों के लिए भी हिदायत का जरिया बनाए। कुरान, ये रमजान माह हिदायत है, कुरान किताबें हिदायत हैं। कैसे? जिसे हम हिदायत पाते हैं, गैरों के साथ हमदर्दी करें, खैर सगाली खैर खाई करें, उनको भी खिलाए पिलाएं, उनके साथ भी उसने सलूक करें, उनको भी बताएं कि रमजान का पैगाम क्या है, रमजान का पैगाम उनको बताया करें कि रमजान का ये पैगाम है कि भूखे रहकर हम ये महसूस करते हैं कि हम तो 1 महीना भूखा है, साल भर कितने लोग हैं जो भूखे रहते हैं, हम 1 महीना भूखा रहकर उन लोगों का एहसास करके उनको खाना खिलाएं। अल्लाह अकबर, ये पैगाम है, ये पैगाम है कि रमजान हिदायत का जरिया अपनों के लिए बनाए, दूसरों के लिए बनाए, दूसरों में भी दात तबलीग का काम करें और इसको बनाए आप हिदायत का जरिया। हाजरीन गिरामी, कुरान उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नासि वबय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरकान, और ये फुरकान है, हक और बातिल के दरमियान फर्क करने वाली चीज है। हक क्या है, बातिल क्या है, इसको मालूम करें कुरान के जरिए से। कुरान में जो है वो हक है, कुरान में जो नहीं है वो हक नहीं हो सकता है। हाजिरी निगरामी, उसके बाद रमजान का पैगाम आलम इंसान के नाम में से एक पैगाम ये भी है, फमन शहीद मिनकुम अश्शहर फलयसुम, जिसको ये महीना मिल गया उसको रोजा रखना है। रमजान का रोजा जिसको मिल गया बड़ा खुशनसीब है। सलफ सालिहीन इस महीने को पाने के लिए 5-6 महीना दुआ करते थे, ये महीना गुजर जाने के बाद 5-6 महीना दुआ करते, अल्लाह जो हमने रमजान में किए हैं उन दुआओं को शर्फ कबूलियत से नवाज दे। कितना बड़ा
खुश कितनी बड़ी खुशनसीबी और कितनी बड़ी बाइस शर्फ इसकी बात है रमजान पाना। अब उमामा जिस तलहा बिन उबैदुल्लाह रजी अल्लाह ताला अनु फरमाते हैं कि दो सहाबा दो भाई या दो दोस्त एक साथ इस्लाम कबूल किए, एक साथ हिजरत किए, एक साथ जंग में शामिल हुए, एक शहीद हो गए और एक एक साल बाद फितरी मौत पाए। लेकिन तलहा बिन उबैदुल्लाह कहते हैं मैंने ख्वाब में देखा वो इंसान जो एक साल बाद इंतकाल किया, वो आदमी जो एक साल पहले शहादत की मौत नसीब हासिल किया उससे पहले जन्नत में दाखिल हो रहा है। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, ये तो शहीद हैं और ये तो शहीद नहीं है, फिर कैसे ये इससे पहले जन्नत में चले जा रहे हैं। अल्लाह के रसूल से मैंने दरियाफ्त किया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया क्या तुमने देखा नहीं इस आदमी को एक साल मिला है, एक साल में एक रमजान पाया है, एक रमजान में वो रोजा रखा है, कयाम और सियाम का एहतमाम किया, नमाजों का एहतमाम किया है और उसकी वजह से उसके मुकाम से ऊंचा हो गया। अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह, एक रमजान पाने से सहाबी ने इतना ऊंचा मुकाम हासिल कर लिया। हमारी और आपकी जिंदगी में कितने रमजान आए और चले गए, और ये बात याद रखिए मेरे भाइयों, ये रमजान हमें जो पैगाम देता है उनमें से एक पैगाम है सबर व तहम्मुल बर्दाश्त। हाँ, सौम के माने हैं अल इमसाक, अपने आप को रोके रखना, कंट्रोल करना, सौम के माने कंट्रोल करना, पकड़ के रखना, सेल्फ कंट्रोल। खाना आपके पास मौजूद है, बीवी भी आपके पास है, लेकिन अपने आप को कंट्रोल करो, ना ये खाना खाओ ना ये खाना खाओ, आपको ना जिस्मानी और रूहानी और ना ही नफसानी किसी भी तरह के खाने की इजाजत नहीं है। अल्लाह यही देखना चाहता है कि बंदा बंदा मेरे लिए हलाल चीज को जैसे छोड़ता है, बंदा मेरे लिए हराम चीजों को भी छोड़े। हाँ, कितने लोग देखो, मैं आपको मिसाल देना चाहूंगा, जो लोग बीड़ी पान पड़ा गुटखा इसके उसके आदि हैं, रोजा रखते हैं और 13 घंटा 12 घंटा 14 घंटा नहीं पीते, उसके बाद क्या मौका मिला, नमाज पढ़ते ही मगरिब की सीधा गए और पहली फुर्सत में बीड़ी होना सिगरेट होना। इमाम साहब अगर लंबी करात कर दे तो परेशानी होती है। हाँ, अजीब तमाशा है, जरा आप सोचो, आप 13-14 घंटा कंट्रोल करके रखे हैं, बाकी और 10 घंटा नहीं कर सकते हो, या आप शैतान आपको बहकाता है। अपने आप को कंट्रोल करने का यह महीना है, खुद एहतसाबी खुद तरबियत का महीना है, इस महीने में अपने आप की तरबियत करें, इस महीने में नेक बने, तकवा पर तकवा वाले बन जाएं और गुनाहों को छोड़ें। और नेकी के कबूल होने की अलामत क्या है, नेकी के कबूल होने की अलामत यह है कि आप इस नेकी को बाकी रखें और गुनाह को छोड़ने वाले बने। और अगर आप फिर गुनाह पे गुनाह वही गुनाह कर रहे हैं, रमजान में छोड़े थे फिर गैर रमजान में चले गए, तो आप रमजान के लिए छोड़े, अल्लाह के लिए नहीं छोड़े। हाँ, ये रमजानी मुसलमान है, रब्बानी मुसलमान नहीं है, ये रमजानी है रब्बानी नहीं है, क्योंकि रमजान तो आया और चला गया, रब तो पहले भी था अब भी है, रमजान में भी था और रमजान के बाद भी रब रहता है, उस रब को डर के ये काम करो। ये कंट्रोल का महीना, सबर और तहम्मुल का महीना है। याद रखे मेरे भाइयों, आज दुश्मन हमें नचा रहा है, बड़ी आसानी के साथ नचा दे रहा है, हम सबर नहीं करते हैं, सबर करो। रमजान हमें सिखाता है कुव्वत बर्दाश्त, तहम्मुल, सबर, रमजान के ये पैगाम है, कदम कदम पे सबर करोगे दुश्मन नाकाम होगा। वाइन तस्वीर वाइन तस्वीर वतत्तको, सूरह आल इमरान में अल्लाह ने फरमाया अगर तुम सबर करोगे एहतियात करोगे फूंक फूंक के कदम रखोगे, तो अल्लाह ताला ने कहा कि तुम्हारे दुश्मन तुम्हारा बाल बेका नहीं कर सकता है, ला यदुर्रुकुम कैदुहुम शैआ, इनके मकरो फरेब तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। एहतियात करें, सबर करें। यह महीना आखिरी पैगाम मेरा है, यह महीना शहरुल मुवासात व सदका, ये सदका तो खैरात का महीना, खैर सगाली और हमदर्दी का महीना है,
खैर सगाली का महीना है, इस महीने में जकात निकालें, सदका तो खैरात करें, जकातुल फितर निकाला करें, गरीबों के साथ हमदर्दी करें। अब ये सोचे कि भूख जब आपको लग रही हो कि आप तो आप और हम तो 10 घंटा या 4-5 घंटा भूखा रह रहे हैं, लेकिन कितने लोग ऐसे हैं साल भर भूखा रहते हैं, उनके साथ हमदर्दी करो, उनको खिलाया पिलाया करो, उनके साथ हमदर्दी का मामला किया करो। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता, सही बुखारी की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रमजान आता कर रेहिल मुरसला, जैसे तेज आंधियां चलती उस तरह से सदका तो खैरात करते थे। आप कोई बड़े मालदार नहीं थे, लेकिन फिर भी आपका यह हाल है कि सदका तो खैरात करते थे, आंधी और तूफान की तरह आप भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, ये भी पैगाम है। और सुभान अल्लाह, इस रमजान का इंतजार अपने तो अपने हैं, गैर भी करते हैं, गैर भी करते हैं इसका इंतजार कि रमजान आएगा तो हमारे तिजारत और कारोबार में भी इजाफा होगा, फायदा होगा। हजरात, यह रमजान शहरुद्दुआ और दार, शहरुद्दुआ व दवा, ये महीना शहरुद्दुआ व दवा है, ये दवा का महीना है, ये दवा का महीना और दुआ का महीना है। अल्लाह अकबर। वो जो आयतें आपने हाफिज साहब से भी सुनी है और मेरा भी खुलासे कलाम ही है, शहर रमजान अल्लज़ी, इसके बाद वाली आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया रमजान के आकाम मसाइल सब कुछ बयान करने के बाद, वइदा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावत अद्दाइदा दआन फलियस्तजीबू ली वली उमिनु बी लअल्लहुम यरशुदून, कहा कि देखो जब बंदा मेरे ताल्लुक से पूछे कहां है, कहो अल्लाह बहुत करीब है, अल्लाह इल्म के हिसाब से नुसरत व ताइद के हिसाब से बहुत करीब है। उजीबु दावत अद्दाइदा दआन, रमजान और रोजे आकाम मसाइल के बाद दुआ का तज़किरा किया, रमजान में दुआ का बड़ा गहरा ताल्लुक है, रमजान के साथ दुआ का बड़ा गहरा ताल्लुक है, रमजान में दुआ करें, कसरत से दुआ करें। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोजेदार की दुआ कबूल होती है, लेकिन इसमें एक बात, एक ज़ईब बात यह है कि आमतौर से लोगों में यह बात मशहूर है कि रोजा इफ्तार करते वक्त की दुआएं कबूल होती है, रोजा इफ्तार करते वक्त की दुआएं इब्ने माजा की रिवायत, वो ज़ईफ है, सही नहीं है कि रोजेदार क्या करते, सब मिलाकर साथ में खाने के सामान रखते और सब मिलकर दुआ करते हैं, उस वक्त रोजा इफ्तारी से पहले दुआ कबूल होती है, ये रिवायत सही नहीं है। अलबत्ता रोजेदार की दुआ कबूल होती है, सही है, ये सही है। रोजेदार किसी भी वक्त में आप फजर से लेकर मगरिब तक कभी भी दुआ करो, कभी भी दुआ करो। हाँ, आखिर आखिर वक्त में इंसान भूखे भूख से निढाल होता है, उसके पास अल्लाह की तरफ रगबत ज्यादा होती है, दुआ करें, लेकिन उसी वक्त एहतमाम के साथ करना और यह सोचना कि कबूल होगी, ये सही नहीं है रिवायत। आखिर में मैं आपके सामने रमजान के कुछ गलत काम, रमजान में कुछ ऐसे काम जिनसे हमें परहेज और गुरेज करना चाहिए, यह बताकर अपनी बात खत्म करूंगा इंशाअल्लाह। पहली बात यह है, रमजान में हम रोजे रखना है, और जो लोग तनो मन जिस्म के साथ रोजा नहीं रखते हैं, जो रोजा खोर हैं, ऐसों के बारे में उमामा बाहिली रजी अल्लाह ताला अनु की रिवायत सुन ले। वो कहते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं नींद में था, मुझे ख्वाब में एक पहाड़ के पास ले जाया गया, पहाड़ बहुत ऊंचा था, फरिश्ते ने कहा चढ़ो, मैं कहा कि नहीं चढ़ सकता हूं, ये तो बहुत दुश्वार गुजार है, कहा कि हम सपोर्ट करेंगे, सहारा देंगे, उठो। मैं पहाड़ के ऊपर गया, आओ चीख चीखने की आवाज, बहुत खतरनाक चीखो पुकार की आवाज, और वहां कुछ लोगों को उल्टा लटकाया गया, उनके जबड़ों को चीरा जा रहा है, यहां तक खून टपक रहा है, यही मामला, जबड़ों को चीरा जा रहा है, फिर सही हो जा रहे हैं, फिर चीरा जा रहा है, उल्टा लटकाया गया, चीख रहे, चिल्ला रहे। पूछा ये कौन बदनसीब है, कहा कि वो लोग जो वक्त से पहले रोजा इफ्तार कर लिया करते थे। रोजा रखकर वक्त से पहले रोजा इफ्तार कर लेने की इतनी बड़ी सजा है, लेकिन जो लोग रोजा रखते ही नहीं है हट्टे गट्टे जिस्म के साथ, कितना बड़ा उनको अजाब होगा। तो पहली बात, हम रोजा छोड़ना नहीं है, हट्टे गट्टे जिस्म रखकर रोजा नहीं रखते। अच्छे अच्छे लोग, कोई बीमारी उजुर हो, अल्लाह हिफाजत फरमाए, रोजे का एहतमाम करें। दूसरी बात, रमजान में हम क्या करते हैं, खाने पीने का महीना बना देते हैं। रमजान आते ही
किचन में किस्म किस्म के आइटम शुरू हो जाते हैं। रमजान आते ही हम किस्म किस्म के खाने पीने के सामान शुरू कर देते हैं। ख्वातीन पकाते पकाते थक जाते हैं, असर के बाद से इशा के बाद तक पका रहे किचन में ही है, मौका ही नहीं उनको। अल्लाह के वास्ते रमजान खाने पीने का नहीं, नबी तो फरमा रहे कि रमजान में मैदे को आराम दिया करो, कम खाया करो, सहरी में भी कम खाओ, इफ्तारी में भी कम खाओ। हमने इफ्तारी में इतना खा लिया कि तरावी में आना मुश्किल है। तरावी के बाद लेट खाएं, लेट सोएं, इफ्तार सहरी में मुश्किल से जागे या नहीं जागे, उसके बाद क्या कि उसमें भी इतना खा लिए, दिन भर जिसम वजन है नहीं। ये इबादतों का महीना बनाए, इसको खाने पीने और शॉपिंग का महीना ना बनाए। इस महीने में शॉपिंग 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 करो, ठीक है, खाना पीना भी खाया करो, शॉपिंग भी किया करो, लेकिन जितनी जरूरत उतना रखा करें, हद से ज्यादा ना करें, हद से ज्यादा ना करें। और आखिरी बात यह है कि रमजान आते ही हम चांद के मसले में उलझ जाते हैं। एक चांद दो चांद, एक साथ ईद या अलग ईद, लोकल मून साइटिंग या इंटरनेशनल मून साइटिंग, इसमें उलझ जाते हैं। याद रखिए मेरे भाइयों, सऊदी हुकूमत ने इस बारे में बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस मुनाकिद किए इंटरनेशनल लेवल पे, बड़े बड़े अल्लामा, बड़े बड़े उलमा इकराम, मुफ्तियान इजाम इस पे लिखे, सेमिनार हुआ, मकाला लिखे गए, क्या क्या बातें हुई। सब करने के बाद आखिरकार इसी नतीजे पर पहुंचे कि अपने अपने इलाके के हिसाब से कर लेना है। और याद रखिए, अगर कोई रोजा पहले रख भी लेता है, लेकिन ईद तो सबके साथ ही मनाना है, वरना ये इत्तेहाद के नाम पर इख्तलाफ कर रहे हैं। मैं आपको सहाबा की मिसाल देता हूं, अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु, मरवान वक्त के बादशाह, वो क्या करते थे, पहले खुतबा देके फिर ईद की नमाज पढ़ाते थे। क्यों? लोग चले जाते, इसलिए। ये सुन्नत की खिलाफ वर्जी है, एकदम खिलाफ है ये। अब बताइए, अबू सईद खुदरी ने उनको समझाया ऐसा मत करो, सुन्नत के खिलाफ है, लेकिन अलग से जाके ईद नहीं मनाए, सुन्नत की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, फिर भी साथ में ही ईद मना रहे हैं। और वो कुराइब की हदीस से ही मुस्लिम की है, तिर्मिजी में भी है, तिर्मिजी इमाम तिर्मिजी ने बाप बांधा है, लिकुल्ल अहली बलदतिन रुयतुहुम, हर शहर वालों के लिए अलग अलग रुयत है, इमाम तिर्मिजी ने बाप बांधा। कुराइब कहते हैं कि मैं मुल्क शाम गया और वहां जाके जुमा की रात चांद देकर रोजा रखे, फिर महीने के आखिर में मैं मदीना आया तो मदीने वाले हफ्ते को रोजा रखे। एक दिन बाद मैंने इब्न अब्बास से कहा, क्या तुम शाम में जो लोगों ने चांद देखा उसको नहीं लोगे? कहा कि नहीं, नबी ने हमें ऐसे ही हुक्म दिया है। साफ जाहिर है कि शाम का अलग है और मदीने का अलग है। और एक बात याद रखिए मेरे भाइयों, जब दज्जाल आएगा, एक दिन एक साल के बराबर होगा, उस वक्त क्या करोगे? बोलो, उस वक्त क्या करोगे? चांदी तो नजर नहीं आएगा। नबी ने कहा, नमाज अपने अपने इलाके के हिसाब से टाइम देकर पढ़ लो, रोजा भी अपने अपने इलाके के हिसाब से कर लो। कर ही नहीं सकते हो, और प्रैक्टिकली ये मुमकिन ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि ये चांद के साथ इसका ताल्लुक है, और चांद के तुलू गुरूब में बहुत फर्क होता है, मताले जो समझते हैं इसलिए। और ये मसला आवाम का नहीं है, इसमें कौन बात करते मालूम है? उलामा नहीं, अवाम बड़े बड़े फतवा देते हैं, और हम इल्म भी उलामा से नहीं, अपने भाई से, बिरादरी से, दोस्त से, अहबाब से, साइंटिस्ट से, डॉक्टर से, मास्टर से, बैरिस्टर से ले रहे हैं आजकल इल्म। ऐसा नहीं होना चाहिए। याद रखिए मेरे भाइयों, ये काजी वक्त का है। सहाबा चांद देखते खुद से ईद नहीं मनाते, खुद से ऐलान नहीं करते, नबी को आकर इत्तला करते, नबी ऐलान कर देते। अहले इल्म ने लिखा है, आपने चांद देखा, आपका काम है हाकिम वक्त को बताना है। अगर वो डिसीजन लिए ठीक है, अगर वो डिसीजन ना भी ले रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, कल ईद मनाएंगे, आप अगर अलग से ईद मनाओगे, जमात से हट जाने के आप पर गुनाह होगा, जमात से हटने का आप पर गुनाह होगा। इसीलिए मसले को समझे, सलफ सालीन के मनहज को समझे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। दीन लेने में, दीन देने में, दीन को समझने में, दीन पर अमल करने में सहाबा का तरीका होना चाहिए। जितने उलामा इत्तेहाद यानी एक एक इंटरनेशनल मून साइटिंग के कायल हैं, वो सारे उलामा ये कहते हैं कि ईद एक साथ होना चाहिए, सारे लोग जिस दिन ईद मनाते हैं उसी दिन ईद मनाना चाहिए। अल्लाह के वास्ते इस मसले को हवा ना दे कि जैसा मसला है जो आपसे ताल्लुक रखने वाला नहीं है, आप खामा खाम इस मसले में उलझ के
सारी तवानाई इसमें जाये करते, कोई मिले उसी पर मेहनत, इसी पे दावत तबलीग सब छोड़ के। अब क्या होता है, दिन शुरू होता मगरिब से या फजर से, एक चांद की दो चांद, इसी में पूरी बार अल्लाह के वास्ते ऐसी मसरूफियत छोड़ दें और इबादतों की तरफ आए, और रमजान का जो पैगाम है इन पैगामात को कमा हक्का हो अपनाने की तौफीक कोशिश करें। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह तबरक तआला हमें और आपको इन कई सुनी बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।